नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल फ्रॉम धमारा जाय साइजीरा यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। आफ्टर 12th बोर्ड एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आप सभी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं बीबीए कोर्स के लिए और वो भी एमएस यूनिवर्सिटी में, तो एमएस यूनिवर्सिटी में बीबीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना होगा और पोर्टल का नाम है जिकास, द गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस। जिकास की पोर्टल पर 28 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो अभी चालू है। पास्ट के वीडियो में मैंने बहुत सारी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है कि किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है, और एक वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, तो आप देख लेना कि जिकास के वेबसाइट पर किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है और 28 मई तक आप सभी स्टूडेंट्स कर देना। अब हम बात करेंगे कि बीबीए में एडमिशन किस तरह लेना होता है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देनी होगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन एवरी ईयर 10 से 15 जून के बीच जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट की जाती है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको एमएस यूनिवर्सिटी में आकर देनी रहेगी। मैं आप सभी को बता दूं, जैसे ही 28 जून को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा उसके बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा डिक्लेयर की जाएगी, वो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा मेरे इंस्टाग्राम पेज FR पंकज जायसवाल के थ्रू से। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन क्लियर करना होगा और पर्सनल इंटरव्यू। तो ये तीन फॉर्मेट होते हैं बीबीए में एडमिशन लेने के लिए। गए साल तक ये तीन जो फॉर्मेट थे वो कंसीडर किए गए थे। फर्स्ट होगा एंट्रेंस एग्जाम, सेकंड आपका ग्रुप डिस्कशन, और थर्ड होगा पर्सनल इंटरव्यू। ये तीनों फॉर्मेट को क्लियर करना रहेगा आपको। तीनों फॉर्मेट क्लियर करने के बाद जैसे ही मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होता है और मेरिट लिस्ट में अगर आपका स्कोर होगा आप एलिजिबल होंगे, तब जाकर आपको एडमिशन मिल जाएगा बीबीए डिपार्टमेंट के अंदर। ओवरऑल 200 यानी कि 200 सीट अवेलेबल है फर्स्ट ईयर बीबीए में, और इन 200 सीट के लिए मिनिमम 2000 प्लस यानी कि 2000 से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, लेकिन एडमिशन सिर्फ 200 स्टूडेंट का ही होता है। बीबीए के अंदर फीस स्ट्रक्चर का क्या है रूल तो मैं आपको बता दूं, तो बीबीए कोर्स के अंदर एमएस यूनिवर्सिटी में जो फीस स्ट्रक्चर है वो तीन फॉर्मेट में बनाया गया है। फर्स्ट फॉर्मेट है वो है नॉर्मल पेमेंट कैटेगरी। नॉर्मल पेमेंट कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स की फीस होती है वो होती है 28 to 30,000 यानी कि 28 से 30,000। और सेकेंड पेमेंट कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं जनरल पेमेंट कैटेगरी। जनरल पेमेंट कैटेगरी में आपकी जो फीस होगी वो होगी 60 to 65,000 यानी कि 60 से 65,000। और थर्ड एंड लास्ट पेमेंट कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं हायर पेमेंट कैटेगरी, जिसकी फीस होगी 1 lakh to 1 lakh 20,000 यानी कि 1 lakh से 1 lakh 20,000। और ये फीस पेमेंट कैटेगरी कब डिसाइड होगी, जब आपका एंट्रेंस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू ये तीनों आप दे दोगे, उसके बाद आपका स्कोर आएगा, उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपका जो ये फीस पेमेंट कैटेगरी है वो डिसाइड किया जाएगा। तो ये थी बीबीए के एडमिशन के लिए प्रोसेस की जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को बताई। अब बात करेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या होता है। तो बीबीए के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स, फिर जनरल अवेयरनेस, तो ये सब जो होते हैं ये टॉपिक्स हैं सिलेबस के। इन टॉपिक्स में से जो MCQ है वो पूछे जाते हैं और 100 MCQ जो है वो पूछने में आते हैं। तो ये सब टॉपिक आपको रीड करना रहेगा। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको इसका स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो आप परचेस कर सकते हो। हम इसका जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करते हैं। स्टडी मटेरियल के अंदर अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो जो टॉपिक्स है वो सब दिए गए, साथ साथ में MCQ विद सॉल्यूशन भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और दूसरा एडवांटेजेस मैं आपको बता दूँ कि प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और सिर्फ MS यूनिवर्सिटी नहीं, और भी जो बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट की जाती है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के एंट्रेंस टेस्ट के जो पेपर है वो भी आपको इस मटेरियल में अवेलेबल मिलेंगे, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता है, सेल्फ स्टडी करना चाहता है, बीबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो सभी लोग इस स्टडी मटेरियल को परचेस कर सकते हैं और इसमें से पढ़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल में से आप प्रिपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा, यू विल गेट आइडिया विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी दे विल बी आस्क इन बीबीए एंट्रेंस एग्जाम, तो काफी हेल्पफुल रहेगा आप। और इसकी जो प्राइस है बहुत ही नॉमिनल है, 1500 रुपये इसकी प्राइस है। आप अगर वडोदरा सिटी से हो तो आप इस स्टडी मटेरियल को हैंड टू हैंड आके कलेक्ट कर सकते हो। कलेक्ट करने के लिए आपको नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपका नाम, सरनेम और बीबीए कोर्स के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए वो लिखकर भेजना रहेगा, ताकि हम आपको एड्रेस और लोकेशन शेयर कर सके। इफ आर यू फ्रॉम आउटसाइड ऑफ वडोदरा और आउटसाइड ऑफ गुजरात स्टेट, तो आप
कुरियर के थ्रू भी इसको परचेस कर सकते हो, बाय कर सकते हो। कुरियर का चार्ज आपको जो अलग से है वो पेमेंट करना होगा, फर्स्ट आपको मटेरियल कॉस्ट और कुरियर का जो चार्ज है वो पेमेंट करना होगा, बाद में यहाँ से आपको मटेरियल जो है वो कुरियर कर दिया जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और ये जो स्टडी मटेरियल है गुजरात स्टेट के जो BBA के एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया कंपाइल्ड स्टडी मटेरियल है, और ऐसा नहीं कि सेम टू सेम इसके जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन सिमिलर्स इसके जैसे जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स बाय करना चाहते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपका नाम, सरनेम और कोर्स का नाम लिखकर भेज सकते हैं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि BBA में एडमिशन लेने के लिए MS University में क्या प्रोसेस करनी रहती है। नमस्ते।